गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज आप एक नए मेनू के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ फाइल क्यों बनाते हैं? पीडीएफ फाइल में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप पीडीएफ फाइल बनाते हैं। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? जब आप किसी फाइल को भविष्य में देखना चाहते हैं तो आप सेव अथवा सेव एज कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी सेव की हुई फाइल को दूसरे नाम और दूसरी जगह पर सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज का उपयोग करेंगे। अब आप सभी कंप्यूटर को ऑन करें और राइटर की फाइल को ओपन करें। क्या आप राइटर की फाइल को ओपन कर सकते हैं या नहीं? अगर आप फाइल को ओपन कर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिखाए गए वीडियो को देखकर ओपन करें। आइए सीखें कि राइटर की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। राइटर की फाइल को आप बहुत से तरीके से ओपन कर सकते हैं। आज आप राइटर की फाइल को शॉर्टकट कमांड से ओपन करना सीखेंगे। क्या सभी जानते हैं कि शॉर्टकट कमांड क्या होता है? शॉर्टकट कमांड एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप किसी भी फाइल को उसकी कमांड के द्वारा खोल सकते हैं, लेकिन आपको उसकी कमांड याद होना बेहद जरूरी होती है। शॉर्टकट तरीके से ओपन करने के लिए सिर्फ कमांड का प्रयोग करना होता है, इसलिए आपको राइट हैंड की एक फिंगर से विंडो के बटन को दबा के रखें और लेफ्ट हैंड की एक फिंगर से आर के बटन को दबाएं। एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसे रन बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर एस राइटर बिना किसी जगह दिए टाइप करना है और फिर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। आज आप एडिट मेनू के बारे में सीखेंगे। आइए जानते हैं कि आप सभी आज की कक्षा में क्या सीखेंगे। आज आप जो सीखेंगे वह इस प्रकार से है: अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल और फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सीखेंगे। सामने दिए गए लाइन पैराग्राफ को टाइप करें। क्या आपने लाइन या पैराग्राफ को टाइप कर लिया है? आइए अब हम एडिट के सब मेनू को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडू के बारे में सीखेंगे। क्या आप जानते हैं अंडू का उपयोग क्यों करते हैं? अंडू से आप उस काम को एक-एक करके हटा सकते हैं जो काम आपने पेज पर किया था, जैसे कि किसी पिक्चर को, किसी वर्ड को मिटा सकते हैं। और भी अंडू का उपयोग आप दो तरीके से कर सकते हैं: शॉर्टकट कमांड और एडिट मेनू से। इसकी शॉर्टकट कमांड Ctrl+Z होती है। आइए वीडियो को देखकर अंडू करना सीखते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अंडू का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपने इस पैराग्राफ को टाइप कर लिया, अब आपको अंडू करना है। तो आप मेनू बार के एडिट ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं और लेफ्ट बटन को क्लिक करें। उसके बाद अंडू लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी, यानी कि हट जाएगी, जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड Ctrl+Z का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से दबा के रखना होता है और दूसरे हैंड से जेड के बटन को दबाना होता है, जिससे कि आपकी एक और लाइन डिलीट हो जाएगी। फिर आप दूसरे तरीके से एक बार अंडू करें, जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एडिट के ऑप्शन पर लेकर आए और अंडू लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपकी अगली लाइन हट जाएगी। फिर से आप एडिट पे जाएं, लेफ्ट बटन को क्लिक करें अंडू पर लाकर, जिससे कि एक और लाइन हट जाएगी। फिर वैसे ही करें जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप अंडू का उपयोग कर सकते हैं। अंडू से आप एक एक लाइन को डिलीट कर सकते हैं। आइए अब रीडू करना सीखते हैं।
क्या आप जानते हैं कि रीडू का उपयोग क्यों करते हैं? रीडू अंडू के विपरीत होता है, मतलब आप जो भी टेक्स्ट अथवा पिक्चर अंडू करके हटाते हैं, आप उसे रीडू करके वापस ला सकते हैं। रीडू का उपयोग भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहले एडिट मेनू से और दूसरा रीडू करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो देखकर समझते हैं कि रीडू का उपयोग क्यों करते हैं। अंडू से जैसे अभी आप सबने अपने पूरे पैराग्राफ डिलीट किया था, रीडू से आप अपने उस लाइन या पैराग्राफ को वापस ला सकते हैं। इसके लिए आप अपने पॉइंटर को मेनू बार के एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए और लेफ्ट बटन को क्लिक करें और रीडू लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को ले जाएं और लेफ्ट बटन क्लिक कर दें, जिससे कि आपकी लाइन आ जाएगी। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस वाई होता है। रीडू आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक मेनू बार के एडिट ऑप्शन से जाकर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और शॉर्टकट कमांड। शॉर्टकट कमांड उपयोग करने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से कंट्रोल बटन को दबा के रखें और दूसरे हैंड के एक फिंगर से वाई के बटन को दबाएं, जिससे कि रीडू होगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आप मेनू बार के द्वारा करना चाहते हैं तो आप यहां से करें, और अगर आप कमांड के द्वारा करना चाहते हैं तो आप कमांड का उपयोग करके रीडू करें। तो इस तरह से आप रीडू कर सकते हैं। आइए अब कट सब मेनू के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कट का उपयोग क्यों करते हैं? कट का उपयोग हम किसी भी लाइन या पैराग्राफ को कट करने या उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए करते हैं। कट सब मेनू का उपयोग भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला एडिट मेनू से और दूसरा शॉर्टकट कमांड जो कि कंट्रोल प्लस एक्स होती है। कट करने के बाद आप उसे दूसरी जगह पर लाना चाहते हैं तो आप इसके लिए पेस्ट का उपयोग करेंगे। आइए अब पेस्ट के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पेस्ट का उपयोग क्यों करते हैं? पेस्ट का उपयोग आप कॉपी कट के साथ में करते हैं, क्योंकि कट सिर्फ किसी उस वर्ड को उस जगह से हटाने का काम करती है, लेकिन उस हटाए हुए वर्ड को दूसरी जगह पर लाना चाहते हैं तो आप पेस्ट का उपयोग करेंगे। आप पेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं, पहला आप सब एडिट मेनू से और दूसरा इसके लिए आप सब कमांड का प्रयोग करेंगे, जो कि कंट्रोल प्लस वी होता है। ध्यान रहे, जब आप कट करना चाहें तो आप उस वर्ड को अथवा पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेलेक्ट करने से कंप्यूटर को यह पता लग जाएगा कि आप उस लाइन अथवा पैराग्राफ को कट करना चाहते हैं। आइए अब वीडियो देखकर समझते हैं कि कट से क्या होता है। कट करने के लिए आप सभी को अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने का विधि आपको बताया जा चुका है। आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, चाहे शॉर्टकट कमांड से या माउस या टचपैड के द्वारा या शिफ्ट या एरो की के साथ में, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस पैराग्राफ को माउस या टचपैड के द्वारा सेलेक्ट करें, जैसे कि ये नीचे वाला पैराग्राफ है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसे हमें कट करना है। तो हम मेनू बार के एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर जाएंगे और कट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करेंगे, तो यह सेलेक्ट किया हुआ लाइन या पैराग्राफ आपका कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हट जाएगा या डिलीट हो जाएगा। अब इसे वापस लाने के लिए आपको पेस्ट का उपयोग करना होगा। पेस्ट के लिए आप फिर से मेनू बार के एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर आएंगे और अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप सभी पेस्ट लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप इसे अपने राइटर के पेज पर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस वी होता है।
आप इसे एक बार कट करके एक से ज्यादा बार पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप कट पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब कॉपी करना सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कॉपी का उपयोग क्यों करते हैं? कॉपी का उपयोग हम इसलिए करते हैं अगर आपको किसी टेक्स्ट, लाइन या पैराग्राफ को एक से अधिक बार पेज पर लाना चाहते हैं तो कॉपी और पेस्ट का उपयोग करेंगे, क्योंकि कॉपी या कट के साथ पेस्ट करना जरूरी होता है। कॉपी से आप सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी किए हुए भाग को पेज पर लाना चाहते हैं तो आप पेस्ट का उपयोग करेंगे। कॉपी भी आप सब दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप सब एडिट मेनू से, और दूसरा इसके लिए आप सब कमांड का प्रयोग करेंगे जो कि Ctrl+C होता है। कॉपी करने के लिए भी आप उस लाइन अथवा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होता है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। आइए अब वीडियो देखकर समझते हैं कि कॉपी से क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करें टचपैड या माउस के द्वारा। उसके बाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉपी और पेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं, एक शॉर्टकट कमांड और दूसरा मेनू बार के एडिट ऑप्शन के द्वारा। आप सभी अपने पॉइंटर को एडिट मेनू बार के ऑप्शन पर लेकर आएं और फिर इस बॉक्स के अंदर कॉपी लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका यह पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा। जब आप कॉपी करेंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, पर यह कॉपी होगा सिर्फ। अब आपको अपने कर्सर को वहां पे लेके आना है जहां पे इस पैराग्राफ को पेस्ट करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। पेस्ट करने के लिए भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक शॉर्टकट कमांड और दूसरा जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। एडिट मेनू बार के ऑप्शन पर लेकर आएं और इस बॉक्स के अंदर पेस्ट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका सेम पैराग्राफ नीचे के जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा था वहाँ पे आ जाएगा। एक और चाहिए तो आप सिर्फ पेस्ट का कमांड या मेनू बार के ऑप्शन पर जाकर सिर्फ पेस्ट पर क्लिक कर दें, जिससे कि एक और पैराग्राफ आ जाएगा। आपको जितनी बार चाहिए आप इसे पेस्ट करके ला सकते हैं। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट का उपयोग करते हैं। आइए अब सेलेक्ट ऑल के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं सेलेक्ट ऑल का उपयोग क्यों करते हैं? सेलेक्ट ऑल से आप पूरे पैराग्राफ और पूरे पेज को एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका उपयोग भी आप दो प्रकार से कर सकते हैं, पहला एडिट मेनू से और दूसरा शॉर्टकट कमांड जो कि Ctrl+A होती है। आइए अब वीडियो देखकर समझते हैं कि सेलेक्ट ऑल से क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। सेलेक्ट ऑल से आप अपने पूरे पैराग्राफ या लाइन जो भी आपने टाइप किया है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने पॉइंटर को एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और उसके बाद सेलेक्ट ऑल लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं, या फिर इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड Ctrl+A का प्रयोग करें। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करेंगे, आपका पूरा पैराग्राफ या लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बिना सेलेक्ट किए हुए आप कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप सेलेक्ट ऑल का उपयोग करेंगे। आइए अब फाइंड और रिप्लेस के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं फाइंड से क्या होता है? फाइंड से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को ढूंढ सकते हैं। ध्यान रहे, आप उसी वर्ड को या टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं जो आपके पैराग्राफ में हो, और उस वर्ड की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं रिप्लेस का उपयोग क्यों करते हैं? रिप्लेस से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को ढूंढकर उसकी जगह कोई दूसरे वर्ड में बदल सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का भी उपयोग आप दो तरीके से कर सकते हैं।
पहला आप सब एडिट मेनू से और दूसरा इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं जो कि Ctrl+F होती है। आइए अब वीडियो को देखकर फाइंड एंड रिप्लेस करना सीखते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड या मेनू बार के एडिट ऑप्शन के द्वारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पॉइंटर को एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि पहला सर्च फॉर और दूसरा रिप्लेस विथ। सर्च फॉर से आप फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस विथ से आप किसी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सर्च करेंगे यानी कि फाइंड करेंगे, जो भी आपको टेक्स्ट फाइंड करना है उसे टाइप कीजिए इस बॉक्स के अंदर और उसके बाद आप फाइंड या फाइंड ऑल के ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप फाइंड ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट में एक एक वर्ड को फाइंड करेंगे, और फाइंड ऑल का उपयोग करेंगे तो एक ही बार जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में वह टेक्स्ट होगा उसे एक बार में ही हाईलाइट कर देगा, जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब आप ठीक इसी तरीके से भी इसी तरह से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए भी आप शॉर्टकट कमांड या एडिट ऑप्शन पे जाकर फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे ही आप शॉर्टकट कमांड या एडिट ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, सर्च फॉर में आप उस वर्ड को या टेक्स्ट को टाइप करेंगे जिसे आपको हटाकर किसी और वर्ड को रखना है, और रिप्लेस विथ में वह टेक्स्ट टाइप करेंगे जिसे आपको रिप्लेस करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। रिप्लेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक एक करके आपके डॉक्यूमेंट में वर्ड को हटा के रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो वह आपके टेक्स्ट को एक साथ में ही पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस कर देगा वर्ड को। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कि जो आपने टेक्स्ट को हटाया था वह टेक्स्ट हट गया और उसके जगह पे कोई और टेक्स्ट जो आपने टाइप किया है वह आ गया। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, सभी अपने फाइल को क्लोज करें। अगर फाइल को क्लोज करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से क्लोज करना सीखें। सभी अपने कर्सर को पेज के दाहिने साइड कोने में क्रॉस के बटन पर लेकर जाएं और वहां अपने माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को दबा दें। आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आ जाएगा जिस पर तीन ऑप्शन दिए गए होंगे, सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल। क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है इसलिए हमें डिस्कार्ड वाले बटन पर क्लिक करें, जिससे फाइल क्लोज हो जाएगी। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को शटडाउन करें। अगर शटडाउन करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं। इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है। इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद
अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में आप सभी ने अंडू, रिडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल और फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करना सीखा।